गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आपकी इंग्लिश में चैप्टर 8 एक कविता है जिसका की नाम दिया गया है हेड एंड हार्ट। हेड का मतलब होता है सिर और हार्ट का मतलब होता है हृदय। तो इस कविता में किस तरह से सिर काम करता है और किस तरह से हृदय काम करता है, दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और क्या फाउंडेशन होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, इस कविता में समझाया गया है। तो हम शुरू करते हैं इस कविता को। द हेड इज स्टेटली काम एंड वाइज। जो सिर जो है वह बहुत शानदार तरीके से बहुत ही शांत है और बहुत ही बुद्धिमान है। एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट। और वह अपने जो बॉडी होती है उसका सबसे मुख्य हिस्सा, जो अपर मोस्ट हिस्सा होता है, उसको धारण किए हुए है। द हेड, इन दो लाइन में बात की गई है सिर की और इन दो लाइन में बात की गई है हृदय की, दिल की। द हेड इज स्टेडली काम एंड वाइज। जो सिर जो है वह बहुत ही शानदार और शांत और बुद्धिमान। एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट, और हमारी बॉडी के सबसे मुख्य हिस्से को धारण किए हुए है। एंड डाउन बिलो इन सीक्रेट लाइज, और वहीं पर थोड़ा नीचे अपने मन में, अपने हृदय में राज को और झूठ को छुपाए हुए द वार्म इम्पल्सिव हार्ट, जो हार्दिक है और धड़कता हुआ नीचे दिल है। तो इस स्टेंजा में सिचुएशन बताई गई है कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड है और हेड कहाँ सिचुएटेड है, और दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। द हेड इज स्टेडली काम एंड वाइज। सिर जो है वो बहुत ही शानदार, शांत और बुद्धिमान। एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट, और साथ साथ में वह एक मुख्य हिस्से को धारण किए हुए है। एंड डाउन बिलो इन सीक्रेट लाइज, और वहीं थोड़ा सा नीचे अपने अंदर भीतर राज और झूठ को छुपाए हुए द वार्म इम्पल्सिव हार्ट, नीचे जो हार्दिक और धड़कता हुआ हृदय है। सेकेंड स्टेंजा देखेंगे हम यहां पर। द लॉर्डली हेड दैट सिट्स अबव, जो राज करने वाला, लॉर्डली मतलब होता है राज करने वाला, राजा टाइप का। द लॉर्डली हेड दैट सिट्स अबव, तो जो राजा सिर है वह ऊपर बैठता है। द हार्ट दैट बीट्स बिलो, और जो हृदय है वह नीचे धड़कता है। देयर सेवरल ऑफिस पैनली प्रो देयर ट्रू रिलेशनशिप फ्लो, और उन दोनों के बीच में जो एक बाउंडिंग है, जो एक काम करने का तरीका है, वह वास्तव में उनके संबंध को दिखाता है। वो वास्तव में उनके जो रिलेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से समझेंगे हम। द लॉर्डली हेड दैट सिट्स अबव, जो राजा के समान व्यवहार करने वाला सिर होता है वह कहीं ऊपर बैठा होता है। एंड द हार्ट दैट बीट्स बिलो, और जो हृदय है जो कि अब नीचे कहीं ना कहीं धड़कता है। द सेवरल ऑफिस पैनली प्रू, तो जिस तरह से ऑफिस में काम करने वाले तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं, वे एक दूसरे को काम देते समय जिस स्थिति से गुजरते हैं लेकिन उनके बीच में फिर भी संबंध बहुत मजबूत होते हैं, ठीक उसी तरह से हेड और हार्ट के संबंध की बात की गई है कि उनके बीच में भी ऐसी स्थितियां बनती हैं लेकिन their true relation show, उनका जो वास्तविक जो रिलेशन होता है, वास्तविक संबंध होता है, वह इस चीज को दर्शाता है कि अलग अलग सोच होने के बाद भी वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। द हेड इरेक्ट सरेन एंड कूल, जो हमारा सिर है वो बिल्कुल तना हुआ है और बिल्कुल काम करने वाला और साथ साथ में कूल भी है। एंडाउड विद रीजन्स आर्ट, जैसे कि उसे बहुत कलाकारी के साथ बनाया गया हो। वॉज सेट अ लॉ टू गाइड एंड रूल, और हमारा जो हेड होता है उसे बनाया गया है राज करने के लिए। द हेड इरेक्ट सरेन एंड कूल एंडाउड विद रीजन्स आर्ट वॉज सेट अ लॉ टू गाइड एंड रूल, उसे बनाया गया है राज करने के लिए और निर्देश देने के लिए। द थ्रोबिंग वेवर्ड हार्ट, और जो हमारा लगातार काम करने वाला हृदय है उसे यह निर्देश देता रहता है और हृदय को इसके हिसाब से काम करना पड़ता है। एंड फ्रॉम द हेड एज फ्रॉम द हायर कम्स एवरी ग्लोरियस थॉट, और
मस्तिष्क से ऊंची जगह से जो भी एक शानदार विचार आता है एंड इन द हार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग फायर एंड नोबल डीड्स आर वॉर्ड। तो ऊपर जो मस्तिष्क बैठा हुआ है वहां पर से हर चमकदार विचार आता है और हृदय में जो है हमेशा वो आग जलती रहती है, ऑल नोबल डीड्स आर रॉड, और वहां पर जितने भी अच्छे काम किए जाते हैं वह इस हृदय के द्वारा किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क से जो भी विचार आते हैं वह शानदार विचार होते हैं, लेकिन हृदय जो काम करता है वह उसमें जब भी कोई विचार आता है तो वह अच्छे मन से उसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आखिरी स्टेंजा में हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों की जो बॉन्डिंग होती है उसको बताया गया है। येट ईच इज बेस्ट व्हेन बोथ यूनाइट, लेकिन दोनों ही हैं जो हृदय और मस्तिष्क है वो बेस्ट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक स्वरूप में काम करते हैं टू मेक द मैन कंप्लीट, मनुष्य को कंप्लीट करने के लिए। यदि किसी मनुष्य में दिमाग नहीं है या हृदय उसका अच्छा नहीं है तो उसे कंप्लीट मैन नहीं माना जा सकता है। व्हाट वर द हीट विदाउट द लाइट, जब ताप ही नहीं होगा तो प्रकाश का क्या काम, द लाइट विदाउट द हीट, और जब प्रकाश ही नहीं होगा तो ताप का क्या काम। तो बच्चों इस तरीके से इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे आपका हृदय और आपका मस्तिष्क एक दूसरे की बॉन्डिंग के साथ, अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे की बॉन्डिंग के साथ किस तरह से खूबसूरती से काम करते हैं। इस पोएम को आप बार बार पढ़िए और आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट ग्रेड में मिलेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।